और इस बार तो इंडिया वालों की के रख देनी है भाई। बस संडे को यहाँ 38 के साथ इंडिया लिखा होना चाहिए। खुल के नारे मारेंगे भाई, टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हो तुम सब? अभी तक तुम लोगों ने हसन जुल्फिकार व्लॉग्स को ज्वाइन नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर एंड ज्वाइन कर लो जल्दी से। तो सीन कुछ ऐसा कि यार तुम्हारा भाई जो है रेडी शेडी हो गया, तुम लोग देख सकते हो आज जुम्मे का दिन है, तुम्हारे भाई ने गलती से नहा लिया है। तो फाइनली अब हम तैयार हो गए और तुम लोग टाइम देख सकते हो 9:45 हो चुके हैं भाई। हमने 9:30 एक्चुअली उन्होंने टाइम दिया, वहाँ पे पहुँचना होता है, लेकिन मुझे 10 हो जाते हैं, लेकिन आज तो हम 10 से भी ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो भाई जल्दी से निकलते हैं अपनी इंटर्नशिप के लिए, बाकी बातें वहाँ जाके रस्ते में तुमसे कर लूंगा, भागो। A few moments later. Oh, भाई साहब ऑफिस जो है मैं आ गया था, तो अब यहाँ बैठते हैं, देखते हैं भाई क्या सीन है यहाँ पे। तो यहाँ से फ्री हो के फिर मैं तुम लोग से मिलता हूँ। तो भाई ऑफिस से मैं निकल आया था, अब हम जल्दी से जाते हैं अपने घर वाली साइड पे। और आज भाई साहब पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग का मैच भी है, तो हमने वो भी इंजॉय करना है। और ये मैच इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि अगर पाकिस्तान ये मैच जीतेगा तो ही पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करेगा, वरना आउट हो जाएगा टूर्नामेंट से। तो अभी जल्दी से निकलते हैं घर वाली साइड पे और घर पहुंच के मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। भाई साहब घर में वापस आ चुका था और भांजे के साथ थोड़ा सा खेलने लगे हैं। अब जाके नीचे भांजा आया हुआ है, मेरा क्यूट सा नेफ्यू। अगर तुमने उसका इंट्रो नहीं देखा भाई, मैंने उसको स्पेशल एक पूरा व्लॉग बनाया था, तो वो तुम लोग जाके देख सकते हो जल्दी से। छोड़ो। तो ऐसा है कि अब ना हम जरा सा वो मेरे पास जो बच्चे एक दो पढ़ने आते हैं उनको हम थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद मैच शुरू होना है पाकिस्तान का, जो कि हम मिस नहीं कर सकते। लेकिन एक मसला है छोटा सा, वो मसला ये कि भाई यहाँ पे ना डेली 7 लाइट जाती है। अब UPS वैसे तो लगा हुआ है, लेकिन UPS के साथ LED तो अटैच नहीं है ना, तो ये सबसे बड़ा मसला है भाई। तो अब ऐसा है कि देखते हैं आज 7 लाइट जाती है या नहीं जाती। अगर 7 से 8 लाइट गई तो मैच के शुरू का 1 घंटा तो हमारा गया भाई, और अगर नहीं जाती तो फिर चलो बेस्ट हो जाएगा, अच्छी बात है ना जाए तो। बाकी यार सीन में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर पाकिस्तान ये मैच जीता तो क्वालिफाई करेगा, अगर ना जीता तो भाई साहब पाकिस्तान वापस आ जाना हमारे पास, हमारे दरवाजे हमेशा तुम लोगों के लिए खुले हैं भाई। A few moments later. पाकिस्तान अगेन टॉस हार चुके हैं, मुझे नहीं समझ आ रही भाई इस बार टॉस क्यों हारी जा रहे हो। कंट्रोल कंट्रोल उदय। तो अब जाते हैं जरा नीचे भाग के जाके मैच देखते हैं भाई। मैच शुरू होने लगा है, 2 मिनट रह गए हैं, फर्स्ट बॉल से मैच देखना है, दुआ करो लाइट ना जाए 7 भाई। जिसका डर था वही हुआ, लाइट जो है वो चली गई है। अब नीचे UPS तो लगा हुआ है बट उसका फायदा नहीं है यार, LED तो चल नहीं सकती। अब देखते हैं भाई मोबाइल पे कुछ जुगाड़ शुगाड़ लगा के मैच देखते हैं, अब लाइट आए तो फिर मैं तुम लोगों को कुछ बताऊं, कुछ बातें करूं। तो लाइट आए फिर मिलते हैं। लाइट आ गई भागो। तो भाई लाइट जो है वो आ चुकी है, पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त 80 है, फेयर इनफ, बट मेरे हिसाब से आज 180 या 185 का टारगेट होना चाहिए तो ही मैच इंटरेस्टिंग होगा। ओ भाई साहब लास्ट बॉल और ये छक्का अगेन, यार खुशदिल शाह ने आज 4 बॉलों पे 4 छक्के मारे, बहुत अच्छा खेला और बड़ा अच्छा टारगेट हो गया 194 का। देखो अब बॉलिंग में पाकिस्तान क्या करता है। देखो भाई मेन जो है वो खुशी की बात यह है कि अगर पाकिस्तान ये वाला मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान संडे को इंडिया के साथ दोबारा खेलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पहले की नागिन निकाली मुन्ना पे डोला है अलग ला। और इस बार तो इंडिया वालों की के रख देनी है भाई। तो अब लेट्स सी पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू होती है, फिर मैच देखते हैं, उसके बाद व्लॉग को कहीं एंड करेंगे भाई साहब। A few moments later. और यार हांगकांग का जो है बहुत ही बुरा हाल कर दिया पाकिस्तान ने, 38 पे ऑल टीम आउट, मतलब ऐसे भी कोई करता है।
बस यार दुआ ये है कि जब इंडिया के साथ मैच हो ना तो 38 यहाँ 38 के पीछे इंडिया लिखा होना चाहिए इस संडे वाले दिन। मजा ही आ जाए यार उस दिन को मैच का। भाई साहब बहुत मजे का मैच हो गया भाई हांगकांग की तो मैं कहता हूँ बजा के रख दिया बैंड आज पाकिस्तान ने। 38 पे सारे आउट मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड बने। वो जो कमेंटेटर है वो बता रहा था लोएस्ट टोटल अगेंस्ट पाकिस्तान, लोएस्ट टोटल ऑफ हांगकांग, लोएस्ट टोटल इन शारजा स्टेडियम, लोएस्ट टोटल इन यूएई और पता नहीं कौन कौन से लोएस्ट टोटल बता रहा था। मतलब के पाकिस्तान ने बहुत ही अमेजिंग बॉलिंग की, आउट क्लास बॉलिंग की। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। अब बात आती है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो भाई बॉलिंग तो हमारी अच्छी है ही है, बॉलिंग अच्छी है नो डाउट। उस दिन भी बहुत अच्छी की, मैंने तुम्हें कहा था कि बॉलिंग से मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। मैं क्या यार पूरा पाकिस्तान नसीम शाह धानी का इनका फ़ैन हो गया भाई। इन्होंने बहुत ही अच्छी आउट क्लास बॉलिंग की नवाज़ ने भी, बट सीन वहाँ आता है बैटिंग का। अब अगर पाकिस्तान की बैटिंग चलती है तभी बात बनेगी इंडिया के अगेंस्ट। और दूसरी बात पाकिस्तान का टॉस जीतना बहुत ज़रूरी है। और भाई हांगकांग जैसी फुद्दू टीम सेकंड इनिंग में आके इंडिया को 150 मार गई है। पाकिस्तान के गेस 38 मारे, सोचो फिर किसकी बॉलिंग अच्छी हुई। तो बात इतनी है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो पाकिस्तान के चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाने हैं मैच जीतने के, क्योंकि पाकिस्तान टॉस जीत के फर्स्ट पे करेगा बॉलिंग। अगर इंडिया को 150 से नीचे नीचे गिरा देता है तो भाई चेस पाकिस्तान इजीली कर लेगा। और इंडिया की बॉलिंग जो है वो सेकंड इनिंग में इतनी ख़ास नहीं है, क्योंकि अगर वो इसी हांगकांग वाली टीम से 150 खा कर चले गए तो भाई पाकिस्तान तो आराम सुकून से खेल लेगा उन बॉलर्स को। और अगर फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बार हम लोगों ने नहीं छोड़ना भाई उनको। लास्ट टाइम तो उनकी किस्मत थी ही थी, इस बार इंशाल्लाह हमारी मेहनत काम आएगी और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। और भाई डन हो गया, इस बार भी हम पाकिस्तान इंडिया का मैच बाहर कहीं जाके देखेंगे अच्छी सी जगह पे, या F9 में स्क्रीनिंग हुई वहाँ चले जाएंगे, F9 में ना हुई सेंटोरस चले जाएंगे। भाई साहब इस बार का व्लॉग और मज़े का बनाना है और इस बार हाइप होना है। गला भाई का ठीक हो गया, कुछ बेहतर है, खुल के नारे मारेंगे भाई, टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने। बाकी तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो इस व्लॉग को मैं करने लगूँ यहाँ पे, एंड मिलते हैं फिर पाकिस्तान इंडिया के व्लॉग में। ओके अल्लाह हाफिज़।